हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू दिस क्लास। कैसे हो आप सब? वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब काफी अच्छे हों। सो आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं पता है आप सभी को? हाइब्रिडाइजेशन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप सभी को ये बातें पता है कि जैसे कि हमारा CH4 होता है, ठीक है, CH4 जिसे हम क्या कहते हैं, मिथ प्लस एन मिथेन। अब बात ये हुई कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताइए कितना होता है? 6। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो मैं जो बता रहा हूं कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। अब बात यह हुई कि चार हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है। अगर मैं कह देता हूं कि 2s ये है और 2p ये है, 1 2 3, मैं कह रहा हूं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए ये भी कह दिया गया कि ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जाके बॉन्डिंग करता है, तो यहां पर इस तरीके से चार ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं इस तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इधर, इधर और इधर। अगर मैं अब भी आपकी बात मान लूं तो यहां पर हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है, इधर हाइड्रोजन अटैच हो गया, इधर भी हाइड्रोजन अटैच हो गया, सेम हेयर। बट जो बॉन्ड लेंथ है, क्या एस और पी की सेम होगी? मतलब एक बॉन्ड जो बन रहा है वो कार्बन के 2s का और हाइड्रोजन के 1s का, और एक बॉन्ड बन रहा है कार्बन के 2p का और हाइड्रोजन के 1s का। बट जब हमने बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली देखी तो सारी बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन की सेम मिली। ये तो क्यूरियोसिटी की बात है। इस बात को प्रूव किया गया विद हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट और इसी वजह से आया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो चलिए, आई थिंक सभी ने ज्वाइन कर लिया है। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ओके। सो इस पर्टिकुलर क्लास में जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमने VBT डिस्कस किया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन टू एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक CH4 NS3 H2O एटसेट्रा। पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हिम द एटोमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स से आप समझ सकते हो जिनकी इक्वल वैलेंसी हो और इक्वल एनर्जी हो, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, राइट। वैलेंसी ना बोल के आप क्या बोलेंगे, एनर्जी। This phenomena is known as hybridization, which can be defined as the process. What is hybridization? यहाँ से definition start होती है। It is the process of intermixing of the orbitals of slightly different energies, so as to redistribute their energies. ठीक है? Resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape. Clear? For example, आप इस बात को इससे समझ सकते हैं। When 1 2s एंड 3 2p, जैसा मैंने 2s एंड 2p वाला कार्बन का एग्जांपल आपको बता रहा हूं। सो 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइज करते हैं तो वहां पर 4 न्यू ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, इन सभी का नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप ये कह सकते हैं व्हाट आर द फीचर्स, आप ये फीचर्स कह सकते हैं कि फीचर्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन के, कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, मतलब उनकी एनर्जी शेप ये सारी चीजें क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, ये सारी चीजें क्या रहेंगी, इक्वल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग बॉन्ड्स एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव प्रीफर्ड स्पेशियल डायरेक्शन टू मिनिमाइज रिपल्शंस एंड गिव ए स्टेबल अरेंजमेंट। जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं वो ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके की स्पेशियल डायरेक्शन लेते हैं ताकि रिपल्शंस मिनिमम हो जाए और एनर्जी मिनिमम हो जाए एंड स्टेबल अरेंजमेंट मिल जाए। और क्या मिल जाए, स्टेबल अरेंजमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं हाइब्रिडाइजेशन की, वो समझ लेते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन? ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल शुड बी इन्वॉल्वड।
पहली बात तो ये है कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स है ना वो L1 होने चाहिए। जैसे कार्बन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p2, तो 2s इस और 2p इसकी वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स इंक्लूड होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए। ऑर्बिटल्स की अप्रोक्स या ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2s को आप 4s के साथ हाइब्रिडाइज कर दें, नहीं, 2s 2p के साथ हो सकता है, ठीक है, और 3s 3p के साथ हो सकता है। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट एसेंशियल, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जैसे कार्बन के 2s इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके चले जाए 2p में, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए एसेंशियल थिंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इवन फील्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, मतलब जैसे कार्बन में 1s2 2s2 होता है ना, तो 2s2 भी पार्टिसिपेट करता है इवन फील्ड, मतलब ठीक है, इवन फील्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहाँ पर दिखी हुई है, बाकी और भी बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम कुछ टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एस पी एंड डी, राइट, एफ बी इंक्लूड हो जाता है। जब आप हायर ग्रेड्स में जाएंगे तो आपको एफ बी इंक्लूड मिलेगा। हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में खुद से वो कह रहा है s और p, मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए। इट इन्वॉल्व्स अ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जब दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, आप यहां पर देखेंगे ये आपका x है, एक्स वाई जेड में दोनों में दिखाया गया है, ये आपका s ऑर्बिटल है, ये दिख रहा है आपको जो मैंने सर्कल किया, ये आपका क्या है s ऑर्बिटल, और ये आपका p ऑर्बिटल है अलोंग द जेड एक्सिस, हमने ले लिया मतलब pz ले लिया। जब s और pz इंटरमिक्स हुए तो कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर अंडरगोइंग दिस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, 2। इट मींस यू विल गेट 2 न्यू ऑर्बिटल्स जो होंगे आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक लोब से दिखाया जाता है, ठीक है, जिसमें एक लोब बिगर होती है और एक लोब स्मॉलर होती है, ठीक है, एक लोब क्या होती है बिगर लोब, एक लोब होती है स्मॉलर लोब। जैसे आप देख सकते हैं या ये आपके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जिनमें 50-50% s करेक्टर और 50% p करेक्टर प्रेजेंट है। क्लियर, आप ये करेक्टर तो निकाल सकते हैं इजीली, भाई दो ही ऑर्बिटल है जिनमें से एक का 50% होगा दूसरे का 50% होगा, 1/2 × 100 करके आप इसका परसेंटेज एस करेक्टर या परसेंटेज पी करेक्टर निकाल सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे जो ऑर्बिटल है, ये आपका एक ऑर्बिटल, ये रहा आपका sp, इसका नाम है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। फिर अगर दूसरा वाला ऑर्बिटल आपको दिखाऊं तो रेड कलर से दिखाऊंगा, ये स्मॉलर लोब और ये उसकी बिगर लोब, ये कुछ इस तरीके से बना है, स्मॉलर लोब और बिगर लोब, ये हमारे कौन से ऑर्बिटल है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और दूसरा भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब इनकी हो चुकी है, ये बन चुके हैं आपके दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और आप यहां पर देखेंगे जब यहां पर जैसे ये लीनियर बेरिलियम का ले लेते हैं एग्जांपल, बेरिलियम का एग्जांपल लिया गया, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। अगर मान लीजिए बेरिलियम के साथ क्लोरीन जुड़ने के लिए आए तो BeCl2 का मॉलिक्यूल आएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, मतलब उसके p5 में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वो अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड है तो वो क्या करेगा, मान लेते हैं हम वो pz में प्रेजेंट है, तो pz आया इसके साथ ओवरलैपिंग करने के लिए, और कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। मैं आपको बता चुका हूँ हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है आपका पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है और ये बन चुका है आपका सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला भी क्या बन चुका है आपका सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, राइट, एंड दूसरे pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, दोनों तरफ pz ऑर्बिटल है, तो pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन और be का क्या यूज हुआ है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। दोनों केसेस में जो बॉन्ड बना है वो बना है बेरिलियम के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और क्लोरीन के pz ऑर्बिटल के बीच में। क्लियर, तो ये आपका है BeCl2 मॉलिक्यूल जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है BeCl2 एक लीनियर शेप में और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। कितना एंगल है, 180 डिग्री। अगर मैं मूव करूं नेक्स्ट टाइप पे तो वो होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां से क्लियरली पता लग रहा है sp2 नाम कब दिया गया, जब एक s और दो p गए हैं अंडर को, दो p गए हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, मतलब इट इन्वॉल्व्स अ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p
ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्री इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब थ्री इक्विवेलेंट अगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अगर मैं परसेंटेज एस करेक्टर पता लगाऊं तो परसेंटेज एस करेक्टर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल ऑर्बिटल थ्री, एक में कितना एक एस है तो 1/3 × 100 मतलब 33.33% लगभग एस करेक्टर है और 66.66% लगभग हो जाएगा पी करेक्टर। जब आप देखेंगे ये कुछ एस प्लस पी वाई और पी जेड मान लीजिए अंडरगो गए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, अगर हाइब्रिडाइजेशन में गए हैं तो कुछ इस तरीके से वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और नए ऑर्बिटल्स बन के आएंगे जिनको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और वो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो होंगे तीन। अगर मैं BCl3 का एग्जांपल लूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर आप सभी को बताएं, आप यहां पर देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, सभी की स्मॉलर लोब्स भी दिखाई गई है और सभी की बिगर लोब्स भी दिखाई गई है, स्मॉलर लोब्स और बिगर लोब्स। आप देखेंगे ये जैसे मैंने दिखाया ये हमारा एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हमारा दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये हमारा तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री, और ये प्लेनर शेप देगा। कैसी ज्योमेट्री होगी इसकी, प्लेनर। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो BCl3 का मॉलिक्यूल, अब आपने लिया BCl3 आप समझ सकते हो बोरोन के साथ तीन Cl के एटम जुड़े हुए, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p, बताइए कितना 1s2 2s2 2p1, कितना होता है 2p1 क्योंकि बोरोन का एटम नंबर 5 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो p में चला जाता है, तो s और 2p यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में गए हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है और तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आए हैं जिनके साथ क्लोरीन के एटम आके अटैच्ड हो रहे हैं अपने ऑर्बिटल के साथ। तो क्लोरीन एक तो यहां पे अटैच्ड हुआ तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड हो गया कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, और एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच्ड हो गया तो कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। तो ये आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें तीन क्लोरीन एटम इस ब्रोमीन बोरोन से अटैच्ड हुए हैं और इस तरीके से इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। और कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो तीन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, हमेशा जब भी बॉन्ड बनेगा तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन बैठे हो जब एक बार ओवरलैपिंग होगी तो पहली ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, कौन सी होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इस तरीके से आपके फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, सिग्मा बॉन्ड की। नेक्स्ट मूव करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप समझिए एक s और तीन p हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जा रहे हैं, अगर एक s और तीन p हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो टोटल कितने नए ऑर्बिटल बनने चाहिए, चार, और उन्हें हम क्या बोलेंगे, फोर न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इट इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किस चीज में इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट इन शेप, इक्विवेलेंट इन एनर्जी, और इनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है, 25% एस करेक्टर और 75% पी करेक्टर होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। जब s प्लस px प्लस py प्लस pz अगर इंटरमिक्सिंग में गए हैं तो नए ऑर्बिटल्स जो बन के आए हैं वो आपके ये इस तरीके से दिखाई जाएंगे जिनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल टाइप की है। किस टाइप की है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर स्मॉलर लोब्स को क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है तो दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉलर लोब्स को थोड़ा इग्नोर किया गया, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो है 109.5 डिग्री। जब आप CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं, CH4 मतलब मिथेन, तो आप देखेंगे कार्बन के s और p हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं, और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कार्बन और हाइड्रोजन, आप यहां पर देखेंगे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कितने ऑर्बिटल हैं, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके साथ चार हाइड्रोजन्स अटैच हो चुके हैं, फोर हाइड्रोजन्स विद देयर s ऑर्बिटल्स। ये दिख रहा है आपको, ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और ये है यहां पर कार्बन का sp3। अब हुआ क्या, यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई तो कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा। यहां पर भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा। इधर भी सेम, कैसा बॉन्ड, सिग्मा, और इधर भी सेम हुई है, कैसा बॉन्ड बन गया आपका, सिग्मा। तो कार्बन और चार हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं मिथेन मॉलिक्यूल। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, चार सिग्मा बॉन्ड है जो किसके इसके बीच में बने हुए हैं, कार्बन के sp3 और हाइड्रोजन के 1s के बीच में। तो ये आपका CH4 का मॉलिक्यूल है। अब आप यहां पर कह सकते हैं क्योंकि
जो ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी ओवरलैपिंग हो रही है, वो चारों हाइड्रोजन्स के लिए एग्जैक्टली सेम है, तो इस वजह से जो बॉन्ड लेंथ होगी हम उसे मेजर करेंगे तो वो सेम आएगी। क्लियर? आई होप यहां तक सारी बातें आपको क्लियर होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज सम एग्जांपल्स ऑफ हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक लाइक BeCl2, जो मैं आपको बता चुका हूं, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन आप समझ सकते हैं। उसके बाद BeCl3 जो मैंने बताया आपको, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। CH4 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी कैसी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। BeCl3 की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर एवरीवन? सो अमोनिया में आप देख सकते हैं NH3 और H2O की शेप आप यहां पर देख सकते हैं। ये दोनों जो शेप है ये टेट्राहेड्रल टाइप की शेप है, मतलब चार फेस है इनके अंदर। आप देखो एक पिरामिड सा आपको दिख रहा होगा, NH3 की शेप को देखिए, थोड़ा पिरामिड सा दिख रहा है। ये देखिए एक फेस, उसी तरीके से एक फेस उधर होगा, एक फेस नीचे है और दो फेस मैंने दिखा दिया, एक नीचे दिख रहा है, ये तीन फेस तो ये हो गए, एक फेस उधर है, चार फेस। इस तरीके से इसमें चार फेस होते हैं। ये एग्जैक्टली जैसे ताजमहल होता है ना, उस तरह की ये शेप है, मतलब चारों तरफ से आप देखेंगे तो एकदम सिमेट्रिकल है और एक जैसी दिखेगी, अगर सारे एटम सेम है। आप समझिए ध्यान से, ये कुछ ऐसे ही, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ, एक हाइड्रोजन इधर, तो एक पिरामिडल टाइप की, मतलब पिरामिड जैसी शेप बन जाती है। अब पिरामिड से आप इसे थोड़ा सा आइडिया से समझ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं, मतलब अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो अगर वाटर का केस देखें तो ऑक्सीजन एटम सेंटर में और उसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट है, मान लीजिए एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर आपकी तरफ, तो जो दो बाकी के जो बॉन्ड्स बच चुके हैं उनमें जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। अब लोन पेयर अकेले बैठे हुए तो रिपल्शन ज्यादा करते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब अकेले बैठे हुए तो रिपल्शन ज्यादा करेंगे, जिस वजह से इस बॉन्ड एंगल को थोड़ा कम कर देते हैं, जो HOH का बॉन्ड एंगल है। जबकि जो आइडियल एंगल है, जैसे आप अमोनियम देखेंगे तो एक लोन पेयर है, बट अगर आप CH4 में देखेंगे तो एक भी लोन पेयर नहीं है। तो जो आइडियल एंगल है वो आपको पता ही है, 109 डिग्री के अप्रोक्स। बट अगर आप अमोनिया का केस देखेंगे तो इसमें एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम, और अगर आप वाटर का केस देखेंगे तो उसमें एंगल और भी कम हो जाता है। अमोनिया में नियर अबाउट 107 आ जाता है और वाटर में नियर अबाउट 104 आ जाता है, क्योंकि अमोनिया में एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो कम रिपल्शन कर पाता है, बट दो लोन पेयर प्रेजेंट होने के बाद ज्यादा रिपल्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे वाटर की शेप में आप देख सकते हैं। अच्छा, अमोनिया की बात करें तो इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, कितने? 4। और सिमिलरली ऑक्सीजन के पास भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, कितने? 4। तो अमोनिया के चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में थे, तीन सिग्मा बॉन्ड बने, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, और एक यहां पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है। बाकी अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के केस में आपको बताइए कि यहां पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है और दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। यहां पर आप देखिए एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक सिग्मा बॉन्ड इधर, इस तरीके से आप यहां पर देखेंगे कि दो लोन पेयर और दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर के केस में, और लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, इस वजह से बॉन्ड एंगल हो गया कम। अगर हम मूव करें नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स ऑफ sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन जो हम देख रहे हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं C2H6 मॉलिक्यूल में। अब C2H6 क्या है? C2H6 जब आप पढ़ेंगे, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि C2H6 मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं इथेन मॉलिक्यूल। सो इन एन इथेन मॉलिक्यूल बोथ कार्बन एटम्स assumes sp3 hybridization, both carbon atoms assumes sp3 hybridization। अब होगा क्या, दोनों कार्बन एटम्स के पास अगर sp3 hybridization है तो वन ऑफ द फोर sp3 hybrid orbitals of the carbon atoms overlap axially with a similar orbital of another atom। अब हुआ क्या, ये कार्बन एटम इसके sp3 दोनों के, इसका भी sp3 क्या कर जाते हैं, ओवरलैप। जैसे ये किए ओवरलैप, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है, जैसे ये किए ओवरलैप तो एक एक्सियली ओवरलैप हुआ, मतलब अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ओवरलैपिंग किस टाइप की है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन ने एक बना लिया सिग्मा बॉन्ड। अब बच गए इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों के पास तीन तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जब दोनों के पास तीन तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं तो दोनों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसके पास तीन हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास भी तीन, तो तीन तीन हाइड्रोजन इन तीन तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ अटैच हो जाते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या कहा आपसे, जो थर्ड पॉइंट समझते हैं एक बार,
वन ऑफ द फोर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम ओवरलैप्स एक्सियली विद ए सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम टू फॉर्म एन sp3 सिग्मा बॉन्ड. कैसा बॉन्ड बना रहे हैं वो? sp3 सिग्मा बॉन्ड. अब जो बात आती है, द अदर थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम्स आर यूज्ड इन फॉर्मिंग sp3s सिग्मा बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? sp3s सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम्स. देयरफॉर इन इथेन द कार्बन, जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होगी, जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है इज 154 पिकोमीटर. इन इथेन जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 154 पिकोमीटर. एंड ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, यहां पर आप क्या लिखेंगे? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 109 पिकोमीटर. क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है उस केस में इस कार्बन का भी sp3 यूज हुआ है और इस कार्बन का भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज हुआ है. बट इस केस में कार्बन का यूज हुआ है इस केस में कार्बन का यूज हुआ है sp3 और हाइड्रोजन का यूज हुआ है 1s. क्या यूज हुआ है? s या 1s. अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4. इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इथीन मॉलिक्यूल वन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ए कार्बन एटम ओवरलैप्स एक्सियली विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म ए कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. टू फॉर्म व्हाट? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. द अदर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम आर यूज्ड फॉर मेकिंग sp2 सिग्मा बॉन्ड विद टू हाइड्रोजन एटम्स. sp2 सिग्मा बॉन्ड विद टू हाइड्रोजन एटम्स. आई होप ये बातें आपको क्या होंगी, समझ में आ गई होंगी. जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है. पहले मैं आपको एक बार C2H4 को दोबारा बताता हूं. इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इथीन मॉलिक्यूल वन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ए कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम ऑफ कार्बन टू मेक ए कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो चुकी है. बाकी जो दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच चुके हैं ईच कार्बन एटम, वो यूज होते हैं फॉर मेकिंग sp2 सिग्मा बॉन्ड विद द रिमेनिंग 4 हाइड्रोजन एटम्स. मतलब एक दो हाइड्रोजन इस वाले लेफ्ट वाले कार्बन पर, दो हाइड्रोजन राइट वाले कार्बन पर. क्लियर? आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं, कार्बन इसके पास है 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 और sp3. दूसरा कार्बन, इसके पास भी है 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. इथेन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये विद द सेकंड और ये फोर्थ. ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड. किस किस के बीच में? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये भी किसके बीच में? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन का 1s. ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन का 1s. ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन का 1s. इधर भी क्या है? हाइड्रोजन का 1s. इधर हाइड्रोजन का 1s और ये भी क्या है? हाइड्रोजन का 1s. क्लियर? ये हमारा बन चुका है कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, जो आपका किस किस के बीच में बना? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन. सो ये C2H6 मॉलिक्यूल है और यहां पर 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच्ड हैं जिनके पास भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और यहां पर 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच्ड हैं जिनके पास भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं. अगर वहीं पर मैं C2H2 के साथ जाता हूं, C2H4 के साथ जाता हूं, जहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब इस कार्बन के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हैं. ध्यान से समझिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2. जब अगर मैं इसकी ऑर्बिटल शेप ड्रॉ करूं तो ये हो गया 2s और यहां पर आ जाएंगे 2p. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गए यहां पे. अब मैं कह रहा हूं ये बचा 1, 2, 3, 4. मैं कह रहा हूं ये px है, मान लेते हैं दिस इज py और ये pz. ठीक है, अब मैं कह रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे आपके 1s और 2p. यहां तक ये आपका क्या है? 2s. ये 2px, 2py और 2pz. अब हुआ क्या, हुआ क्या कि नए ऑर्बिटल्स बने, पर कितने? 3, और एक ऑर्बिटल रह गया ये सही जिसका नाम है 2pz,
और ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये तीन जो बने हैं इन तीनों का नाम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर? तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड यहां पर रह गया है C2H4 के इसमें। अब होगा क्या, कार्बन दूसरा कार्बन, इसका sp2 और इसका sp2 हो गई ओवरलैपिंग। ठीक है, एक sp2 ये रहा इसका, एक sp2 ये रहा, तीन ही तो बने, एक sp2 इधर एक sp2 इधर। एक इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड pz है, और एक इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड pz है, जिन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पर आ जाएंगे हाइड्रोजन अटैच होने के लिए, इधर आ गया हाइड्रोजन अटैच होने के लिए, इधर भी आ गया हाइड्रोजन अटैच होने के लिए, इधर आ गया हाइड्रोजन अटैच होने के लिए। अब यहां पर हो जाती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या हो जाती है यहां पर? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये हो गई इधर साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिससे बना है पाई बॉन्ड। और ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक सिग्मा बॉन्ड फिर एक बन गया पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई, और दो दो क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, इस तरीके से। और इसी तरीके से जब आप sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक ही p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे, जिस वजह से एक बार हेड ऑन ओवरलैपिंग होने के बाद फिर जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, और उसके थ्रू हमारे पास बनेगा पाई बॉन्ड। क्या बनेगा उसके थ्रू? पाई बॉन्ड। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो C2H2 के बारे में देखेंगे, और मैं अभी तक आपको बता चुका हूं sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को अब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो मैं एक बार इस पॉइंट को रिपीट करता हूं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4 वाले को, इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल वन ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम ओवरलैप्स एक्सियली विद द अनदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन एटम। तो बन गया सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ। अब बच गए दो sp2 और, दोनों sp2 के साथ आ गए आपके हाइड्रोजन एटम्स, तो बन गए सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन एटम के साथ। अब बच गया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ क्या होते हैं, द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इधर 2px और 2py आप ले सकते हैं, अगर pz आपका हाइब्रिडाइजेशन में चला गया है तो। द अनहाइब्रिडाइज्ड pz मतलब जो भी यहां पे लेंगे उसके रिमेनिंग जो दो होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में हमने कंसीडर कर लिए। सो द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ 2px या 2py ऑफ वन कार्बन एटम ओवरलैप साइड वाइज विद द सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म ए वीक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग साइड वाइज होती है और सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, विच कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो वहां पर एक पाई बॉन्ड बन के आ जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4 हुआ क्या, ये कार्बन और यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये तो चार हाइड्रोजन अटैच हो चुके हैं। होगा क्या, ये कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो कि 2pz ले लिए, और मान लीजिए 2px और 2py चले गए हाइब्रिडाइजेशन में। अब 2pz ने दूसरे 2pz के साथ क्या किया, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लिया और पाई बॉन्ड बना लिया। अब ए और बी को अगर कंबाइन करके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का देखते हैं, कुछ इस तरीके का, कैसे, ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स घूम करें। आप इसको 3D में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये वाला दोनों हाइड्रोजन, ये सभी एक प्लेन में है। ये सभी कहाँ है, प्लेन में। प्लेन के ऊपर लोब्स बनी हुई है, उन लोब्स में आप देखेंगे मान लीजिए 2pz है या 2px है या जो भी है, वो 2px 2px क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड, मतलब साइड वाइज वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं, जैसे हम पाई बॉन्ड। क्लियर, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताई, ये मैंने आपको बताई sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4 मॉलिक्यूल। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, C2H4 मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ, क्योंकि वहां पर दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। एक तो बन रहा है sp2 के बीच में जो कि सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के sp2 और दूसरे कार्बन के sp2 के बीच में जो कि सिग्मा बॉन्ड है, और एक बॉन्ड वहां पे बन रहा है मान लीजिए कोई भी एक p ऑर्बिटल बच जाता है जिसको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। सो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम और दूसरे का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, तो दोनों के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिस वजह से वहां पर जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्लियर एवरीवन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जो हम एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं,
तो हम अब एग्जांपल्स देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसमें C2H2 में, C2H6 को बोला जाता है इथेन, C2H4 को बोला जाता है इथीन और C2H2 को बोला जाता है इथाइन, इथ प्लस आइन, आइन ही बता देता आपको ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। अब वो कह रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो सीधा सीधा ये बात क्लियर है सीधी सीधी कि एक s और एक p तो जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में और दो p जो है वो रह गए अनहाइब्रिडाइज। Both carbon atoms undergo sp hybridization having two unhybridized orbitals 2p or 2py or 2px आप कह सकते हैं unhybridized। मान लीजिए 2pz चला गया hybridization में, one sp hybridized orbital of one carbon atom, पहले इस carbon atom और इस carbon atom के पास दोनों के पास sp hybridized orbital है, ये दोनों एकदम से क्या करेंगे ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करने की वजह से यहां पे बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे ही बना सिग्मा बॉन्ड अब क्या होगा, दो बच गए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हम बोल रहे हैं 2py और 2px। तो होगा क्या, जैसे कि 1sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम ओवरलैप कर लिया उसने एक्सली विद द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद दो आपके बच चुके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 2py और 2px, तो वो क्या करेंगे, ईच ऑफ द टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ कार्बन एटम्स ओवरलैप साइड वाइज एंड क्या बना लेंगे, दो पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो कार्बन कार्बन के बीच में अभी तो क्या बन गया, कार्बन कार्बन के बीच में एक sp2 sp और sp हाइब्रिडाइजेशन हुई, सिग्मा बॉन्ड बना और दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइज क्या कर लिया, ओवरलैपिंग कर ली साइड वाइज और पाई बॉन्ड बन गए कितने, दो। तो तीन बॉन्ड बन चुके कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन बनाएगा टोटल चार बॉन्ड। ठीक है, आप समझिए ध्यान से, सो द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम इज मेड अप ऑफ वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम इज मेड अप ऑफ वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स। आप देख सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन इन C2H2, C2H2 मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं इथीन, अब सॉरी इथाइन, इथाइन मॉलिक्यूल में क्या हुआ, कार्बन कार्बन, ये कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड दिस इज द अनदर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेकंड कार्बन, सो व्हाट विल हैपन, दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, दे विल अंडरगो ओवरलैपिंग, कौन कौन से ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करी है, sp sp ने, तो कैसी ओवरलैपिंग हुई, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर क्या हो गया, कार्बन के पास दोनों कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल्स और दो हैं, दोनों के पास दो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, मान लीजिए 2pz तो यहां चला गया था, तो 2px और 2py क्या कर लेंगे, 2px 2px के साथ और 2py 2py के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके नए बॉन्ड्स बनाएंगे जो कि दो बॉन्ड्स होंगे और दोनों ही कैसे होंगे, पाई बॉन्ड्स। फिर आप यहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये मैंने एक 3D व्यू ऊपर से दिखाया आपको, आप कुछ ऐसे देख सकते हैं कि नीचे वाले एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, फिर जो दो पाई बॉन्ड है वो ऊपर कुछ इस तरीके से और इसी तरीके से नीचे होंगे, तो होगा क्या, एक सिलिंड्रिकल टाइप की शेप बन जाती है, कैसी शेप बन जाती है, सिलिंड्रिकल टाइप की शेप, क्योंकि जो ये पी और वाइटल अनहाइब्रिडाइज ये भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल सी शेप बन जाती है और ये आपका हो गया, आप ये कोई भी एग्जाम्पल है जो कि है C2H2 इथाइन, क्या है ये, इथाइन, और फिर जो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है वो तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, बट जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बच चुके हैं, क्योंकि एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से तो यूज हुआ है इस सिग्मा बॉन्ड में, मतलब दोनों का एक एक, बाकी दोनों के पास एक एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अभी बच चुका है जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, उनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा 1s के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ये बना लिया इन्होंने सिग्मा बॉन्ड। सो ये आपकी हुई sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें, इथाइन मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो शेप्स हैं, आप उन्हें कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस स्क्वायर प्लेनर होगी अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या है, डी एस पी टू, मतलब एक डी एक एस और दो पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हुए, एक डी एक एस और दो पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल इसका ले सकते हो आप NiCN4 2 नेगेटिव, PtCl4 2 नेगेटिव। उसके अलावा ट्राइगोनल बायपिरामिडल, मतलब जिसको हम TBP भी कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp3d, मतलब एक s 3p और एक d पार्टिसिपेट कर रहा है, आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे pf5 pcl5 एटसेट्रा। स्क्वायर पिरामिडल sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s 2 d और 3p इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे brf5 आप एग्जांपल ले सकते हो। इसके अलावा sp3d2 के साथ ही ऑक्टाहेड्रल हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन का टाइप, अब इसमें दो हो सकते हैं, एक d2sp3 और sp3d2, जो हम ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे
एक इनर ऑर्बिटल होता है, एक आउटर ऑर्बिटल होता है, अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास ट्वेल्थ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर आता है जिसमें ये पॉइंट्स ज्यादा अच्छे से डिस्कस किए जाते हैं। अब एक एस तीन पी और दो डी, और दो डी एक एस और तीन पी, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसका एस एफ सिक्स सी आर एफ सिक्स थ्री नेगेटिव, जिसमें एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन है, और सी ओ एन एस थ्री होल सिक्स थ्री पॉजिटिव, इसमें डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक टेबुलर फॉर्म से मैंने आपको सारे पॉइंट्स को कॉइंसाइज करने का ट्राई किया। ओके, सो मूव करते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। अभी तक हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन एस और पी के साथ, मतलब एस पी थ्री एस पी टू और एस पी को डिस्कस किया। अब हम उस हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं जो इन्वॉल्व कर रही है डी ऑर्बिटल्स को, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड, क्योंकि थर्ड पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू थ्री होगी और थर्ड पीरियड के साथ ही डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होगा। Contain d orbitals in addition to the s and p orbitals. The energy of the 3d orbitals are comparable to the 3s and 3p. बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, तो 3s 3p के साथ 3d भी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है। क्लियर? अगर हम देखें द एनर्जी ऑफ 3d orbitals are also comparable to those of 4s and 4p orbitals, तो मैं आपको अबव प्रिंसिपल बता चुका हूं, और अबव प्रिंसिपल में आप ये देख चुके हैं कि जो एनर्जी है 3d, 4s and 4p orbitals की nearly क्या है, comparable है, nearly क्या है, comparable. As a consequence, the hybridization involving either 3s, 3p and 3d or 3d, 4s and 4p is possible. तो इसकी वजह से ये क्या है, पॉसिबिलिटी है कि ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स जाने का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी एक लगभग इक्वल होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, अप्रोक्सीमेट सेम होनी चाहिए। हाउएवर सिंस द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ 3p एंड 4s ऑर्बिटल्स इज सिग्निफिकेंट, नो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 3p 3d एंड 4s ऑर्बिटल इज पॉसिबल। तो 3p 3d और 4s ये हाइब्रिडाइजेशन में ही जाएंगे, बट 3d 4s और 4p चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं, 3d 4s और 4p। द इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन स्कीम्स इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल्स आर समराइज्ड, यू कैन सी हियर, हम डिस्कस करते हैं। समराइज्ड मतलब एग्जांपल्स हम यहां पर देखते हैं, और sp 3d d 2 sp 3 sp 3d डी टू, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है, डी एस पी टू एटसेट्रा। सो चलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीसीएल फाइव, तो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बता रहा है, मैंने आपको टेबुलर फॉर्म दिखाई थी उसमें ये बताना चाह रहा है कि एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, उसकी ज्योमेट्री और शेप होगी। शेप क्या होगी वो तो हम डिस्कस करते हैं, बट sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन ये बता रहा है कि उसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मतलब TBP हो गए। कैसे समझेंगे इस बात को, द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस आर रिप्रेजेंटेड बिलो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे आप ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो वो लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो 3s2 3p3 हमने सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को दिखाया है, और 3s में दो है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और वो पॉलीज और होन्स का रूल करते हुए हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी है। 3d भी अवेलेबल है। पी के एक्साइटेड स्टेट कहूं तो 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और 3d में पहुंच गया, जब 3d में पहुंच गया अब ये चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, कौन कौन, 3s 3p और 3d। अगर 3s 3p 3d हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है आपकी एक s गया है 3p और एक d, मतलब sp3d, क्या बनती है हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब कितने ऑर्बिटल्स बने, नहीं 5 ऑर्बिटल्स, और पांचों का नाम क्या है, सभी का एक जैसा नाम है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको फिल किया किसने, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करे गए वाई 5 क्लोरीन एटम्स, ठीक है, क्लोरीन के साथ आगे अटैच हो गया, और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ कौन अटैच हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ फास्फोरस के sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन का एटम अटैच हुआ है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, द फाइव ऑर्बिटल्स इट मींस 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड ए सेट ऑफ 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो आपके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 5 कॉर्नर्स ऑफ ए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एज डिपिक्टेड इन दिस फिगर, आप ये फिगर में देख सकते हैं।
एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ और फिफ्थ। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप में पांचों कॉर्नर पर इस तरीके से वो लोब्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं वो आ जाती हैं। मतलब आप क्या कहेंगे कि जो पांच ऑर्बिटल्स, मतलब फाइव जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनका नाम है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइव कॉर्नर्स ऑफ ए टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, शो करी थी। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द बॉन्ड एंगल्स इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आर नॉट इक्विवेलेंट। ये तो उस ज्योमेट्री को देख के पता लग रहा है, ये देख के पता लग रहा है कि तीन एटम क्लोरीन के प्लेन में है और दो एटम क्लोरीन के अपर एंड बिलो द प्लेन है। इसका मतलब ये हुआ कि तीन एटम का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक ऊपर एटम है और उसके परपेंडिकुलर एक नीचे एटम है। मतलब अगर प्लेन से उसका एंगल देखो तो वो 90 डिग्री हो गया, तो कुछ एंगल्स 90 डिग्री हैं और कुछ एंगल्स 120 डिग्री हैं। अब कौन से 90 डिग्री कौन से 120 डिग्री हैं वो भी मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा। इन PCl5 द फाइव sp3d ऑर्बिटल्स ऑफ फास्फोरस ओवरलैप विद द सिंगल ऑक्युपाइड p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म फाइव फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड्स, मतलब PCl सिग्मा बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड बन रहा है? PCl सिग्मा बॉन्ड्स। थ्री PCl सिग्मा बॉन्ड्स lie in one plane and make an angle of 120 with each other. These bonds are termed as equatorial bonds. क्या नाम देते हैं उनको हम? Equatorial bonds. So equatorial bonds वो हैं जो प्लेन वाले हैं। Equatorial bond कौन से हैं? प्लेन वाले। उसके अलावा दो जो bonds हैं वो कैसे हैं? The remaining two PCl bonds, one lying above and one lying below the equatorial plane, makes an angle of 90 degree. मतलब ये वाला angle जो है वो 90 degree है बता रहे हैं। ये वाला angle क्या हुआ? 90 डिग्री। दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। समझने वाली बात क्या है कि जो प्लेन में बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर और नीचे जो प्रेजेंट है क्लोरीन एटम्स वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और इनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। तो यहां पर ये थोड़े क्लोज हो गए, बॉन्ड एंगल कम है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से ये बॉन्ड्स थोड़े लेंथी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि PCl5 के केस में दो PCl बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड्स लेंथी क्यों होते हैं? तो इस वजह से लेंथी होते हैं क्योंकि बॉन्ड एंगल ही कम है। एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर्स सफर मोर रिपल्सिव इंट्रैक्शन फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, क्यों? क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड एंगल कम है, देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड्स हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लार्जर और स्लाइटली लॉन्गर एंड हेंस स्लाइटली वीकर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एंड इस वजह से होता क्या है, विच मेक्स PCl5 मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव। जैसे ही आप PCl5 को हीट करते हैं इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है और इट विल रिलीज Cl2 गैस, मतलब क्लोरीन गैस। तो PCl5 क्या देगा आपको? PCl3 प्लस Cl2। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ SF6, ठीक है, सल्फर का हैलाइड है SF6। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपके sp3d2। आप यहां देखेंगे इन SF6 द सेंट्रल सल्फर एटम हैज द ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s2 3p4, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब चालकोजिन से, और ग्रुप 16 इसका ग्रुप है। इन द एक्साइटेड स्टेट द अवेलेबल सिक्स ऑर्बिटल्स, देखो आप यहां पर देखेंगे ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑर्बिटल फॉर्म में 3s में 2 और 3p में 4। अब हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कर गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कर गया। अब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में टोटल सिक्स ऑर्बिटल्स अवेलेबल है जो हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं, 1s 3p एंड 2d। अगर ऐसे ही अवेलेबल हैं तो आपके जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सिक्स ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम होगा sp3d2 ऑर्बिटल्स। सिक्स sp3d2 ऑर्बिटल्स यहां पे बनेंगे। इन द एक्साइटेड स्टेट द अवेलेबल सिक्स ऑर्बिटल्स, इट मीन 1s 3p एंड 2d आर सिंगली ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म सिक्स न्यू sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विच आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द सिक्स कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रन इन SF6। आप देख सकते हैं सिक्स कॉर्नर्स को, एक, हो गए सिक्स। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये वाले जो फ्लोरीन है जो सल्फर के साथ अटैच्ड है, ये एक प्लेन में है, एक प्लेन है, वहां पे ट्राइंगुलर प्लेन था, यहाँ पे एक प्लेन है जो कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो सकता है। अब हुआ क्या, दो एटम्स अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन गए हैं, इस प्लेन के एक ऊपर और एक नीचे हैं। तो क्या कहना चाह रहा है वो,
कि थ्री दीज ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म सिक्स न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और ये फ्लोरीन आके इनके साथ अटैच्ड हो गया, ठीक है। फ्लोरीन आके इनके साथ क्या हो गया, अटैच्ड, कितने फ्लोरीन, सिक्स फ्लोरीन, तो सिक्स फ्लोरीन अटैच्ड हुए सिक्स sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ, इन्होंने ओवरलैपिंग करी है। आप सिक्स कॉर्नर देख चुके हैं ऑक्टाहेड्रल कॉर्नर, किसके, ऑक्टाहेड्रन के sf6 के केस में। These six sp3d2 hybrid orbitals overlap with singly occupied orbitals of fluorine atoms to form six sigma sf bond. कैसा बॉन्ड बन रहा है, sf, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। Thus sf6 molecule has a regular octahedral geometry and you can see in this figure, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आठ फेस हैं। कितने फेस हैं इसके अंदर, आठ फेस हैं, आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मुझे एक फेस ये दिख रहा है, तो एक फेस ये सामने वाला हो गया, एक फेस ये हो गया, और एक फेस इसी तरह के पीछे होगा, चार फेस ऊपर और चार फेस नीचे हो जाएंगे। क्लियर है एवरीवन, यहां तक कोई डाउट? सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। So this is all about this today's class. Thank you so much everyone. So I hope यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब समझिए ध्यान से जो मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं, एक बार क्विकली समराइज करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको ये बताया हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है, मैंने आपको किसके बारे में बताया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई रोल में, इसलिए आई क्योंकि हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड डिस्टेंस, ये क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, बट एक्चुअली में वो सेम थे। तो कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का, और इसने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होने जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जिनकी अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी होती है, और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें कहते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इक्विवेलेंट होंगे किसमें, इक्विवेलेंट होंगे, इनकी सेम एनर्जी रहेगी, सेम शेप रहेगी एटसेट्रा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अप्रोक्स सेम रहती है, एनर्जी शेप डिफरेंट हो सकती है एटसेट्रा एटसेट्रा। अब उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखा, अगर एक एस और एक पी हाइब्रिडाइजेशन में जाता है तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक एस और दो पी चले जाते हैं तो एस पी टू हो जाती है, ठीक है। अगर एक एस और तीन पी चले जाते हैं तो एस पी थ्री हो जाती है। इन सभी के एग्जाम्पल्स और डिटेल में हमने सारी चीजें देखी। अगर एक एस तीन पी और एक डी चला जाता था एसपी थ्री डी हो जाती है। इन सभी की ज्योमेट्री भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर एक एस तीन पी और दो डी चले जाते हैं तो sp3 d2 हो जाती है। अब d2 आउटर वाले भी हो सकते हैं और इनर वाले भी, उस बेस पर d2 sp3 हो जाती है। इन सभी के मैंने आपको एग्जांपल्स, इन सभी के मैंने आपको कैसा पिक्चर व्यू, सारी चीज मैंने आपको दिखाई। जैसे sp3 d2 में हमने एग्जांपल देखा sf6 का, किसका एग्जांपल देखा, sf6 का। तो किस केस में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, किस केस में पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, किस केस में सिर्फ एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज पी करेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ओके एवरीवन, इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को देखा है, ठीक है। इसमें हमने, आप ये देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म प्रोवाइड करी है। जैसे एसपी क्या होता है, एसपी आपका होता है लीनियर, एसपी कैसा होता है, लीनियर शेप एकदम 180 डिग्री एंगल के साथ। sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री एंगल के साथ। sp3 होता है टेट्राहेड्रल, आइडियल एंगल लाइक 109 डिग्री 28 मिनट्स। sp3d होता है आपका tbp, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। इसमें बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट होते हैं, जो इसमें दो तरह की आपकी बॉन्ड लेंथ होती है, एक बॉन्ड्स होंगे एक्सियल बॉन्ड्स और एक होंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इक्विटोरियल बॉन्ड्स पे जो एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा कितने डिग्री, वो होगा आपका 120 डिग्री। बट अगर जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनके बीच में वो परपेंडिकुलर होते हैं उस प्लेन के, तो उनके पास जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अगर मैं sp3d2 की बात करूं तो sp3d2 के केस में इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, और ऑक्टाहेड्रल केस में भी वही है। आप देख सकते हैं चार कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और दो परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, ठीक है।
तो ये आपके कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। अच्छा एक क्वेश्चन भी मैंने बताया था, जैसे मैंने पीसीएल फाइव एग्जाम्पल डिस्कस किया था पीसीएल फाइव का, तो मैंने ये भी बताया था कि पीसीएल फाइव अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो टीवी पे शेप कुछ ऐसे है। अब ये जो तीन एटम है जो डॉटेड लाइन से मैं इनको दिखा रहा हूं, ये तो आपके क्लोरीन एटम प्लेन में, पर जो ऊपर वाले और नीचे वाले दो क्लोरीन है ये आपके किस पे है, ये जो येलो कलर से शो किए हुए हैं ये आपके एक्सियल पे है, एक्सियल पोजीशन पे है, और ये बॉन्ड एंगल बना रहे 90 बॉन्ड एंगल होने की वजह से बॉन्ड पेयर काफी पास हो गए 120 के कंपैरिजन में पास हो गए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी एक्स्ट्रा आप क्या कह सकते हैं रिपल्सिव फोर्स फील करते हैं, और जिस वजह से बॉन्ड्स थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, और इमीडिएटली जब आप इसे हीट करते हैं तो ये पीसीएल थ्री में ब्रेक डाउन होकर सीएल टू को रिलीज कर देता है, और वो सीएल टू कौन से क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन, क्योंकि ये बॉन्ड्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी है, लेंथी बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू जो इक्वेटोरियल पर बॉन्ड प्रेजेंट है। इन बॉन्ड्स को बोला गया एक्सियल बॉन्ड्स और इन बॉन्ड्स को बोला गया इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन चीजों पे गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आता है कई बार आया है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि वाई पीसीएल फाइव इज ब्रेकिंग डाउन इनटू पीसीएल थ्री एंड सीएल टू, और सीएल टू ही क्यों निकलती है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स लेंथ ही क्यों होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के कंपेरिजन में, ये और एक्सियल बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल क्या है प्लेन से, इक्वेटोरियल बॉन्ड लाइक एटम जो इक्वेटोरियल प्लेन में या इक्वेटोरियल पोजीशंस पर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके।